नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और उससे पहले बनारस के लोग, बनारस ही नहीं बल्कि ये कहे कि उत्तर प्रदेश और भारत देश के कई कोने से यहाँ पर लोग आए हैं मोदी जी को चीयर करने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए और उनके इस जुलूस में। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। क्या क्या मोदी जी के लिए क्या लेके आए संदेश? मोदी जी के लिए लेके आए हैं कि इस देश में मोदी जी की ही आवश्यकता है, देश बचाना है तो मोदी जी को लाना, देश बचाना है, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, हर हर मोदी। आप देख सकते हैं इस साइड में, आप देख सकते हैं ऊपर, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग मोदी जी की एक झलक देखने के लिए उत्साहित है। और ये भाई साहब है हमारे साथ, तस्वीर खिंचवाना चाह रहे हैं। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से आए हैं। वहाँ पे अब इस बार तो मुरली मनोहर जोशी जी नहीं है? नहीं नहीं, उससे क्या, मोदी जी है ना, पर्याप्त है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी पर्याप्त है। तो मोदी जी है, मोदी है तो मुमकिन है। कहने का मतलब है कि सब पर भारी। कोई प्रधानमंत्री इस तरह से आजादी के बाद नहीं मिला है आज तक, जितना ईमानदार, जितना देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आतंकवादियों को जिस तरह से ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, बनारस की जनता उनको सर्व, आप बनारस से सबसे ज्यादा मतों से, 7 लाख मतों से ऊपर के मतों से जिताने का काम करेगा। एक राय साहब आए हैं, वो भी गायब होने वाले हैं। प्रियंका जी गई। कहाँ से हैं आप? हम तो भैया बनारस से ही हैं। बनारस से जी। हाँ जी, बताएं जी। पांडेपुर से हम लोग हैं, मोदी जी का समर्थन करने के लिए आए हैं जो है। और लोगों का जोश है, लायक है। आप देख सकते हैं जिस साइड देखेंगे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और अभी हालांकि मोदी जी, मोदी को प्रचार करने का जरूरत ही नहीं है, उसी तरह वो जीत जाएगा। तो मोदी जी तो आ रहे हैं, तो 100% वो आएगा ही। अच्छा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। आप ही लोग प्रचार कर रहे हैं मोदी? अरे हम लोग क्या, हम लोग जनता है, हम लोग जनता है, हम लोग जानते हैं कि मोदी जी देश कल्याण करेंगे, इसलिए मोदी आए। आप बीजेपी से नहीं जी? आप बीजेपी? बीजेपी नहीं सर, हम जनता है। जो सुनिए सर, है ना, सुनिए सर, जो देश के प्रति, जो जनता भी सोचेगा हम उसके साथ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो। हर हर मोदी। मोदी आप जो मोदी का जोश है, मोदी समर्थकों का जोश है उसे देख सकते हैं। काफी तादाद में जो लोग हैं, मोदी यही से मोदी जी। राजस्थान के वाराणसी से है और मोदी के परम भक्त है और मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। कांग्रेस ये सोच रही है कि सार्थक बंधन उनका सपना है जो कभी साकार नहीं हो सकता। महादेव के साक्षात रूप है मोदी जी, महादेव के साक्षात रूप है, क्योंकि काशी के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आम इंसान को ईमानदार से ईमानदारी बोलते बात उन्हें खुद नहीं पता बात। मैं आपके उत्साह को समझ सकता हूँ। ईमानदारों के लिए मोदी लाहौल, आतंकवादियों मोदी रियल हीरो, देश का रियल हीरो। साक्षात बनारस से ही है। अच्छा, बनारस से ही है। अरे राहुल गांधी हमारा एक स्टार प्रचारक है। अरे क्यों घबराए? अंडमान से आया हूँ, अंडमान से। माइक मत पता जी।
माइक मत पकड़ी, मैं पकड़ मोदी है तो मुमकिन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला आप जी। मैं मुगल शाह से आ रहा हूँ, दीनदयाल नगर से जी। बताइए आप कुछ कह रहे हैं। मैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान से आ रहा हूँ। आप अंडमान से? अंडमान से आ रहा हूँ मोदी जी को देखने जी। आप सर, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं दवा कंपनी में बहुत बड़े पद पे हूँ जी, लेकिन आज मैंने स्पेशली छुट्टी लिया है मोदी जी के लिए। छुट्टी लिया, हम लोग छुट्टी लेकर के आ रहे हैं। आई हैव नेवर सीन, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, आई एम नेवर सीन एनी टाइप एनी प्राइम मिनिस्टर इन दिस कंट्री। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्कर। हम मतलब मोदी जी के लिए आप यहाँ हैं? मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ, और ये मैनेजमेंट के एक तरह से पैकेज है। अगर इनकी बातों को सुनिए तो हर लोग सही उस व्यक्ति, अगर आप देख सकते हैं कि मोदी के लिए लोग किस तरह से मुरीद है, और कार्यक्रम नहीं है बीजेपी के, आम नागरिक है, तो आम नागरिक है, और आम नागरिक आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं जी। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, ये राजस्थानी पगड़ी लगाए हुए हैं जी, चुनार के विधायक जी हमारे साथ है। नाम सर आपका? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह जी मौजूद है। कैमरा कहाँ है भैया? हाँ जाइए जी। अनुराग जी बताइए, मोदी जी के लिए लोग तो हम एकदम पागल देख रहे हैं, दीवानगी देख रहे हैं। छुट्टी लेके आया है, कोई दुकान बंद करके आया है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस चुनाव में? ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। आज नमो उत्सव है वाराणसी, आपने नया नाम दिया आज के दिन के लिए, नमो उत्सव। आज काशी की जनता जी नमो उत्सव मना रही है जी। और ये कोई लोकसभा चुनाव का प्रचार या नामांकन की कोई तैयारी नहीं है, ये एक तरीके से विजय के लिए पहले से ही काशी की जनता मोदी जी को बधाई देने के लिए एक उत्सव का जिता दिया पहले मोदी जी को। मोदी जी को जिताने की बात तो, जीत और हार की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो पहले से घोषित है, तो ये आज काशी की जनता उनको एक बताना चाहती है कि काशी में आपको आने की जरूरत की मौजूदा मतलब माफ करिएगा मेयर रह चुकी है काशी की, वो मोदी जी को टक्कर दे रही है महागठबंधन के। मेयर वो मेयर नहीं है, मेयर का चुनाव लड़ी थी, चुनाव लड़ी। अब आप भी देखिए, इस चीज का कोई तुलना ही नहीं है, जो मेयर का चुनाव लड़ा और हार गया। हमने एक हरीश रावत जी से हम बात कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो उन्होंने बताया कि हमने मोदी जी की कुंडली चेक करी है, उसमें काल सर्प दोष योग है और महिला ही उनको हरा सकती है चुनाव, तो इसलिए प्रियंका गांधी या ये जो आपकी शैली याद है। मोदी जी ने कल अपने इंटरव्यू में अलाउद्दीन के चिराग के बारे में जैसे कहा था कि इसको खत्म करना चाहिए, उसी तरीके से इन बातों का जो उठा के जनता को बेवकूफ कांग्रेस बनाती आई है और फिर एक सगुफा छोड़ रही है, इसमें कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, केवल एक सगुफा है, फालतू की बात। ये माहौल बनाया जा रहा है, ये आप किस तरह से मोदी का जो जुनून है, मोदी के लिए जो जोश है लोगों में आप देख सकते हैं। कोई छुट्टी लेकर आया है, कोई दफ्तर से अपना काम बंद करके आया है, और ये देखिए बीजेपी का झंडा जो है, ध्वज जो है वो लहरा रहा है। रोड शो की शुरुआत अभी होने वाली है, मोदी जी आने के हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके स्वागत में लोग पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और उनका एक दीदार उन्हें होगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि मोदी जी के स्वागत में एक बैंड उनका इंतजार कर रहा है, लोग जो है वो मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। और बनारस की जो गली है जहां से ये रोड शो होकर गुजरने वाला है, वो पूरी तरह से पैक दिख रहा है इस वक्त। लोग दोनों तरफ जिधर आप देखेंगे, आप जहां देखेंगे वहां ऊपर देखें नीचे देखें, आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये देखिए सामने आपको जो बैंड दिख रहा है, मणिपुर और नासिक से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो मोदी के लिए आए हुए हैं, तो ये लोग हैं। यहाँ पर एक बैंड है, बैंड चल रहा है, उस साइड से भी सड़क के उस पार भी आप देखेंगे तो कुछ लोग जा रहे हैं। मोदी जी अभी आने के हैं, लेकिन उससे पहले ही ये जश्न और उत्साह दिखाई दे रहा है।